क्या होता है? पूरे क्षेत्र, पूरे क्षेत्र है। हाँ। क्या क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई, ठीक है ना। तो वो कितना जगह घेरती है वही उसका क्षेत्रफल समझ रहा है। अब जैसे ये कमरा है, इसमें लंबाई कितना है मान लो 10 फीट है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 5 फीट है। तो 10 फीट क्या है लंबाई, चौड़ाई कितना है 5 फीट। तो इसका क्षेत्रफल ये कितना जगह घेरता है यह पता करने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई में कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 10 और 5 गुणा करें कितना हो जाएगा 50। लेकिन जो लिखते हैं तो मान लो फिट है तो वर्ग फिट कहेंगे, क्या कहेंगे स्क्वायर फिट, क्या कहेंगे स्क्वायर फिट। मान लो कोई खेत है, कोई खेत है वो 25 मीटर है लंबा और चौड़ा है 4 मीटर, तो क्या करोगे दोनों का गुणा करेंगे और वर्ग लिखेंगे, और मीटर है तो वर्ग मीटर करेंगे, ठीक है। तो 25 में 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा 100। लिखूंगा नहीं, तो 25 में 4 कितना हो गया 100 वर्ग मीटर, ठीक है, समझ आ रहा है वर्ग मीटर। तो गुणा करना है क्षेत्रफल निकालना है, समझ आ रहा है, वही आंसर है, यही क्षेत्रफल उतना ही जगह वो। अब मान लो कोई छोटा चीज है, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है ना, तो ये 12 इंच जो है, 12 इंच जो है, 12 इंच जो है ये लंबाई है, बस 5 मिनट और ये है 5 इंच चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई वो वर्ग इंच आएगा, क्या आएगा वर्ग इंच, यानी 12 में 5 का गुणा करो कितना होगा 12 5 60 60। अब देखो हमने 3 उदाहरण दिया है, 3 दिया ना, पहले में क्या बताया था कमरा कितना लंबा था 10 और चौड़ा कितना था 5। अगर ये दिया हो कि उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग फिट है, उसका क्षेत्रफल कितना है 50 और उसकी चौड़ाई 5 मीटर है, 5 फीट है, तो उसका लंबाई निकालो। 3 चीज